आज का ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग मिस्टर एंड मिसेस देव दे आर ग्रेट लीडर्स और मेरे गुरु भी हैं। आज के ट्रेनिंग से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि आज तक मैं कुछ और सोचता था, कुछ और फोकस करता था जो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस था, बट आज से सीखा कि अगर हम प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो हमारे पीछे प्रॉब्लम चलेगी, और अगर मैं ड्रीम को फोकस करता हूँ तो मेरे साथ ड्रीम फुलफिल होता जाएगा। तो आज से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया है। आज मैं मिसेस देव और मिस्टर देव की ट्रेनिंग से जो सीख पाया वो ये है कि ड्रीम तो हम सब देखते हैं, लेकिन ड्रीम को अपने गोल में कैसे कन्वर्ट करना है और उनको फिर फुलफिल कैसे करना है, ये एक एक्सेलेंट टिप्स थे जो मैंने आज अच्छी तरह से अब्जॉर्व किए। वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अर्पणा मैम और देव सर, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाती है कि बिजनेस को किस तरीके से डेवलप किया जाए। न केवल मैं, मेरी सभी डाउनलाइन इन ट्रेनिंग्स का बेनिफिट लेते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज का जो वर्कशॉप है, लीडरशिप वर्कशॉप, इससे सीख करके मेरी टीम बहुत ही ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने वाली है। मेरा नाम क्षेत्रपाल बौद्ध है। आज की ट्रेनिंग से मैंने सीखा कि हम अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हैं और उनको विजुलाइज करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही एक्साइटेड व्यक्ति हूँ जो इनकी ट्रेनिंग को सुन के 100% फुलफिल कर सकता हूँ। आज जो मैंने देव सर और अर्पणा जी की ट्रेनिंग से सीखा वो है फोकस्ड रहना, और मैं ये सोच रही हूँ कि आज के बाद मैं फोकस्ड होके अपने आप को वेस्टीज में और ज्यादा ग्रो करूंगी। विश यू वेल। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस लीडरशिप सेशन के अंदर, और आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ सपनों के ऊपर। कैसे सबका चेहरा खिल उठा। यस फ्रेंड्स, सपने हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। सपनों के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है, और सपने ही हैं जो हमारे को ज़िंदगी में जीने की एक वजह देती है। यस और नो? एंड तभी कहा गया है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो अपने सपनों की खूबसूरती पे विश्वास करते हैं। एंड अ मैन विद अ ड्रीम नेवर वॉक्स अलोन। एक व्यक्ति जिसके पास सपना है वो कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, जब हम अकेले होते हैं, जब हमारा कोई साथ नहीं देता, जब अंधेरे में हमारी परछाई भी हमारे साथ नहीं होती, तो एक चीज़ जो हमारे साथ होती है, जो हमारे को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो है हमारे सपने। तो दोस्तों, सपने तो हमारे पास थे, लेकिन हमें कोई ठीक सा, कोई हमारे को रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। थैंक्स टू डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम एंड वेस्टीज, जहाँ पहली बार ज़िंदगी में हमें ये विश्वास हुआ कि चाहे सपने कितने ही बड़े क्यों ना हो, सपने पूरे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो भी हमने सीखा, सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाता है। क्या आप सुनना चाहेंगे? Yes! सुनना चाहेंगे? एक्सेलेंट। Yes! तो चलिए बात करते हैं गोल के ऊपर। हमें अपने सपनों को एक फर्म गोल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और गोल हमेशा स्मार्ट गोल होना बहुत ज़रूरी है। SMART। S यानी कि स्पेसिफिक। ब्रेन जो हमारा है वो स्पेसिफिक मैसेज वो रिसीव करता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। जैसे कि कंप्यूटर कोई वेग कमांड एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारा ब्रेन भी जो है वो वेग कमांड को रिजेक्ट कर देगा। तो हमारा जो गोल है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का सपना है उसको वेस्टीज से 25 लाख रुपए महीना कमाना है बाय दिसंबर 2018, तो सपना कुछ इस प्रकार होगा, My monthly earning from Vestige by December 2018 31st is rupees 25 lakhs. That is specific. M stands for measurable. आपका जो भी goal है उसको आप ताकि measure कर पाएं, आपको इस प्रकार अपना goal को set करना है। For example, कोई 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहता है by December 31st 2017, और बाय जून
उसकी अर्निंग पहुंचती है सिर्फ 50,000, तो उसके पास 6 महीने हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि मैं अगले 6 महीने तक मैं किन लोगों के साथ काम करूंगा, मैं कितने नए डायरेक्टर ग्रुप तैयार करूंगा, मैं किन किन एरियाज में जाके काम करूंगा और मैं किन किन ग्रुप से मल्टीपल एलओबी लूंगा ताकि मैं अपने टाइम अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं. दैट इज मेजरेबल. ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. आसान टारगेट अचीव करके कोई मजा आता है? वो तो कोई भी कर सकता है. अचीवेबल का मतलब है टारगेट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो लेकिन विद एफर्ट आप उसको अचीव कर पाए. आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक. गोल ऐसा होना चाहिए जिस पे आप विश्वास कर पाओ. दोस्तों, वेस्टीज में नथिंग इज अनरियलिस्टिक. वेस्टीज में विश्वास ही विश्वास है. आपके इर्द गिर्द वेस्टीज में ऐसे हजारों लोग हैं जो 1 लाख से 48 लाख रुपए महीना तक अर्न कर रहे हैं. आपके इर्द गिर्द इतने लोग हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति जो एक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं. सो आप अपना सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए. वेस्टीज में कोई कहानियां नहीं है, वेस्टीज में सब कुछ हकीकत है. सो एवरीथिंग इज रियलिस्टिक इन वेस्टीज. टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड. अपना जो गोल है उसको एक डेडलाइन दीजिए, समयबद्ध कर दीजिए. क्यों? क्योंकि वो जो मर्सिडीज आपने चलानी है, वो जो आपने बीएमडब्ल्यू चलानी है, कब चलाओगे आप? अभी या 70 साल की उम्र में? सो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी को जीना है अभी. तो अगर आप अपने लक्ष्य को एक डेडलाइन देते हो तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है, आपका फोकस जो है और ज्यादा हो जाता है. आप उतने डिटर्मिंड होकर के, उतने कमिटेड होकर के आप अपने लक्ष्य के लिए काम करने लगते हो. एंड जितनी तेजी से आप लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे उतनी तेजी से आपके सपने पूरे होने के चांसेस होते हैं. सो दिस इज अ स्मार्ट गोल जिसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया. फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका जो ड्रीम है वो रिटर्न होना बहुत जरूरी है. जब आप अपने ड्रीम को लिखित रूप में कर देते हो तो वो एक फर्म डिसीशन बन जाता है. आगे बात करेंगे हम विजन बोर्ड के ऊपर. विजन बोर्ड क्यों? आपका जो लक्ष्य है आपके नजर के सामने होना बहुत जरूरी होता है. आपकी नजर बार बार पड़े विजन बोर्ड के ऊपर, आपको बार बार आपका लक्ष्य याद आता रहे, उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपका गोल और आपके एक्शंस आप ऑटोमेटिकली लेते हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप उतने कमिटेड होकर के आप एक्शन में आ जाते हो. माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ विजुलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है. जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पाना चाहते हो, उसको विजुलाइज करिए, महसूस कीजिए पैशन के साथ, इमोशन के साथ. और जब आप कर सकते हो विजुलाइजेशन करो. हम सब भगवान को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं दिन में एक बार कम से कम, यस और नो? राइट? तो जब हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर के साथ साथ हम अपने सपने को, हम अपने गोल को विजुलाइज कर सकते हैं. राइट? सो करिए, रिपीटेडली कीजिए. जब आप रिपीटेडली विजुलाइज करेंगे आप अपने लक्ष्य को उतनी तेजी से आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने प्रति और बहुत तेजी से आपका लक्ष्य कन्वर्ट होने वाला है रियलिटी पे. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी जो प्रोसेस है, जब हमने ये सारी प्रोसेस हमने फॉलो करी, हम एक्शन में आए और जो रिजल्ट्स हमको मिले, मिराकुलस रिजल्ट्स. जब आप ये सारी प्रोसेस करते हो, ये सारे प्रोसेस तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप काम नहीं करोगे. यस और नो? यस. सो मैसिव एक्शन में आना जरूरी है
और जब आप लेते हो मैसिव एक्शन तो आपको बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं। इन सारे बाधाओं को, इन सारे अड़चनों को कैसे पार करते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर देव को। मिस्टर देव, वेलकम ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? एक्सेलेंट। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि हमारे जिंदगी में गोल के क्या महत्व हैं। गोल स्मार्ट होने चाहिए, लिखित होने चाहिए, आप गोल को विजुलाइज करना चाहिए और हमारे जिंदगी में बोर्ड, विश बोर्ड या ड्रीम बोर्ड का क्या महत्व है। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि गोल को हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और कई यूनिवर्सिटियां उनमें सम्मिलित थे। जितने भी बच्चे पास आउट हो रहे थे उन्होंने उनका डेटा कलेक्ट किया, अपने पास रखा ताकि वो उनको ट्रैक कर सके और वो उनके संपर्क में रहे। और तकरीबन 10 साल के बाद जब उनके साथ फाइनली उन्होंने बात की, उनसे मुलाकात की, उनके बारे में पूछा गया, तो ये पाया गया कि 80% स्टूडेंट एक एवरेज जिंदगी जी रहे थे, 15% स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल थे और 5% स्टूडेंट जो थे वो सुपर सुपर सक्सेसफुल थे। इन तीनों कैटेगरी में फर्क क्या था? जो एवरेज स्टूडेंट थे उनके पास सपने तो थे, गोल तो था, पर उन्होंने अपने गोल को लिखा नहीं। जो 15% स्टूडेंट जिनकी लाइफ अब काफी सक्सेसफुल थी, उनके पास गोल थे और उन्होंने अपने गोल को लिखा था, बट जो सुपर सक्सेस थे उनके पास गोल भी थे, उन्होंने अपने गोल को लिखा भी था और सबसे बड़ी बात वो अपने गोल पे फोकस्ड थे। उन्होंने छोटे छोटे बाधाओं की वजह से अपने गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपने गोल को चेंज नहीं किया। जब भी हम कोई बड़ा काम करने निकलते हैं ये नेचुरल है, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ नेगेटिव लोग हमारे पास आएंगे जो बहुत अकलमंद होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक एवरेज इंसान इन लोगों के बातों में आ जाता है और उनकी राय को वो अपना राय बना लेता है और इस चक्रव्यूह में फंस के वो अपने गोल को या तो छोड़ देता है या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर देता है। पर सक्सेसफुल लोग वो अपने गोल पे फोकस्ड रहते हैं और उनका गोल पे जब वो अपना फोकस रखते हैं तो उनका ये फोकस उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, एक ढाल की तरह काम करता है और नेगेटिव लोगों की बातें उनके ऊपर बेअसरदार हो जाती है। फोकस, ये 5 अक्षरों वाला शब्द एक बहुत पावरफुल शब्द है, ये एक लाइफ चेंजिंग शब्द है। फोकस का मतलब होता है जब आप अपनी सारी की सारी शारीरिक और मानसिक एनर्जी को केंद्रित कर देते हैं किसी एक बिंदु के ऊपर, किसी एक दिशा के ऊपर, किसी एक कार्य के ऊपर, तो उस कार्य को आप बहुत ही शीघ्रता से कर लेते हैं, उस कार्य को आप बहुत परफेक्टली कर लेते हैं और बड़े बड़े बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। फोकस में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। फोकस के बारे में कहा गया है आप जिंदगी में जिस चीज पर भी फोकस करेंगे वो आपके जिंदगी में और उभर के आएगी और बड़ी बनकर आएगी। अगर आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में अपने चारों तरफ नेगेटिव वातावरण पाएंगे। आप अगर अपने गोल पे फोकस करेंगे, आप अपने सफलता पे फोकस करेंगे तो आपका सारा ब्रह्मांड जो ये है ये लग जाएगा आपको अपने गोल तक पहुंचाने में। सो द सक्सेस प्रिंसिपल इज ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड डू नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, डू नॉट फोकस ऑन योर हर्डल्स। और यही कारण है वेस्टिज में ऐसे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको आप जानते हो, जिनसे आप मिलते हो, सेमिनार्स में मिलते हो, MTM में मिलते हो, VIP में मिलते हो, जिन्होंने 3 महीने में, 6 महीने में 1,00,000
डेढ़ लाख दो दो लाख के चेक के, मंथली चेक की बात कर रहा हूं मैं, चेक पे आप चले गए हैं, मिलते हैं उनसे? क्या उनके लिए कुछ अलग था? प्रोडक्ट उनके लिए भी वही है जो आपके लिए भी है, प्रोडक्ट की प्राइसेस भी उनके लिए वही है जो आपके लिए है, सिस्टम उनके लिए भी वही है जो आपके लिए भी है, पे आउट प्लान उनके लिए भी वही है, ट्रेनिंग्स उनके लिए भी वही है, एजुकेशन उनके लिए भी वही है। फर्क यही था कि उनके अंदर वो क्षमता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने फोकस रहे अपने गोल के ऊपर। टेकिंग यू फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू से विनर्स, जो जीतने वाले होते हैं, दे ऑलवेज फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, वो संभावनाओं पे फोकस रहते हैं। जो हारने वाले होते हैं उनका फोकस रहता है बाधाओं के ऊपर। विनर्स फोकस करते हैं उनको क्या चाहिए उन चीजों के ऊपर, और लूजर फोकस करते हैं वो कैसे इस काम को नहीं कर पाएंगे। और मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग में कहता हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ढूंढिए बहाने वेस्टिज को करने के, आपको हजारों हजारों बहाने मिल जाएंगे। और अगर आप नाकामयाब होना चाहते हैं तो ढूंढिए बहाने ना करने के, आपको हजारों हजारों बहाने मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, द चॉइस इज योर्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई विल रिपीट इट अगेन, कहता है कि हम अपनी जिंदगी में वही चीज फोकस करते हैं जिसको हम बार बार सोचते हैं, जिसके बारे में हम बार बार अपने अंदर छवि बनाते हैं। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप कुछ भी ज्यादा नहीं हो, आप कुछ भी कम नहीं हो, आप वही हो जो आप दिन भर सोचते रहते हो। तो आप अपने आप को कैसे सोचते हो? जब आप अपने आप को देखते हो एक शीशे में, आपको सामने क्या दिखता है? एक कामयाब आदमी दिखता है, एक एनर्जेटिक आदमी दिखता है, एक ऐसा आदमी दिखता है जो एनर्जी से भरा हुआ है, अपने हौसले उसके बुलंद है, वो जीतने के लिए तैयार है, या उस आपको दिखता है एक ऐसा आदमी जो स्ट्रगल कर रहा है, जो करना तो बहुत कुछ चाहता है पर विपत्तियों से घिरा हुआ है। आप अपने आप को जैसा देखते हैं जिंदगी में, आप वैसा ही बनते हैं। सवाल यह पैदा होता है, लोग फोकस क्यों नहीं करते? फोकस लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो अर्जुन वाली बात नहीं होती है, वो क्षमता नहीं होती है एक दृष्टि के साथ एक टुक एक बिंदु को देखते रहना। और ये आती है, जैसे कि मैंने कहा, फ्रॉम प्रैक्टिस। और कारण होता है हमारा एसोसिएशन गलत होता है, हमारी सफलता, हम जिस माहौल में रहते हैं बहुत हद तक वो माहौल एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है उस सफलता के लिए। दूसरा रीजन है lack of confidence from temporary failures. Average इंसान छोटे मोटे failure से हार मान लेता है, बैठ जाता है, पर आज तक किसी ने भी बिना failure के इतिहास नहीं रचा। हर वो व्यक्ति जो आज मास्टर कहलाता है, जो निपुण कहलाता है, एक वक्त उसका ऐसा था जब वो कई failure से गुजर चुका था। विनर्स जो होते हैं वो कभी भी फेलियर को परमानेंट नहीं बनाते। फेलियर, एक्चुअली मैं जो वर्ड पसंद करता हूं, मैं फेलियर वर्ड अपने आप में मैं इसको बोलना पसंद नहीं करता हूं, मेरा वर्ड है टेम्पररी फेलियर, बिकॉज फेलियर्स आर ऑलवेज टेम्पररी। परमानेंट हम बना देते हैं क्विट करके, और खास करके हमारा जो बिजनेस है, वेस्टिज का जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, इसमें यह कहा जाता है इस बिजनेस में पूरे दुनिया में कोई फेलियर नहीं होता। Nobody fails in this industry of network marketing. लोग सक्सेसफुल होने से पहले क्विट कर जाते हैं, और जब वो क्विट कर जाते हैं अपने फेलियर को वो परमानेंट बना देते हैं। नो बिग सक्सेस इन लाइफ विल कम विदाउट फेलियर्स। इसलिए अगर आप इस वक्त छोटे मोटे फेलियरों के सम्मुखन हो रहे हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आप सही रास्ते पर है, क्योंकि आप वेस्टिज में आए हैं एक इतिहास रचने। यू आर बॉर्न टू विन, यू आर अ विनर, एंड सो यू शुड एवरी टाइम बाउंस बैक। करना सिर्फ यह है, आपको बाउंस बैक करना है, अपने अंदर लो सेल्फ एस्टीम को नहीं आने देना। लो सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर लैक ऑफ बिलीफ की वजह से आता है। बिलीफ सिस्टम को अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो यू हैव टू
keep repeating yourself कि you are born to win और belief system के ऊपर, self esteem के ऊपर मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा कि इसको हम कैसा कैसे बढ़ा सकते हैं through education, because knowledge ही एक ऐसी चीज है जो आपके belief system को strong कर सकता है. Without knowledge your belief system will never ever become strong and your low self esteem आपकी बाधा बन जाती है उन चीजों को हासिल करने के लिए जो चीजें जो सपने आपके सबसे पास होती है. फोकस्ड अप्रोच रिक्वायर्स अ फ्यू मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम लिमिटिंग बिलीफ्स, अपार्ट फ्रॉम लैक ऑफ एजुकेशन एंड अपार्ट फ्रॉम लो एस्टीम एंड दैट इज गोइंग फॉरवर्ड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. We are in an industry which is an industry of duplication. अगर आप इस business में successful होना चाहते हैं, Vestige में आप अपने पूरे सपने पूरे करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, आपको wheel को दोबारा से reinvent नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने line of sponsorship में आप देखिए कौन वहाँ successful है, और उसके footsteps को अगर आप follow करेंगे, जो काम वो कर रहा है, अगर वही काम आप भी करते रहेंगे, तो आप भी अपनी कामयाबी को पा लेंगे. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर सक्सेस योर फोकस्ड अप्रोच डिमांड्स इज प्रायोरिटाइज योर बिजनेस. वेस्टीज बिजनेस को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाइए. पुट ब्लिंकर्स अराउंड योर आईज, अपने आंखों में ब्लिंकर्स लगा लीजिए ताकि आपकी जो नजर है वो लक्ष्य से ना हटे. एंड पुट फिल्टर्स इन योर ईयर्स. नकारात्मक लोग, उनकी हैबिट है वो नेगेटिव बात बोलेंगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे. अपने कानों में फिल्टर्स लगा लीजिए, वही बात सुनिए जिन बातों को सुन के आपकी हौसला अफजाई होती है, जिन बातों को सुन के आपके बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूटरी इफेक्ट होता है, आपके अंदर हौसला बढ़ता है, आप काम करते हैं आपको एनर्जी मिलती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमिट योरसेल्फ टू योर गोल. आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर प्रतिबद्ध होंगे, एक साल दीजिए, दो साल दीजिए, डिपेंड करता है आपका लक्ष्य कितना बड़ा है. जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उस हिसाब से आप अपने लक्ष्य के प्रति एक कमिटमेंट कीजिए, आप देखेंगे कि आपका लक्ष्य आपके प्रति कमिटेड हो जाएगा. एंड वॉक एन एक्स्ट्रा माइल. ऑल विनर्स, ऑल पीपल, ऑल दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल दोज पीपल हु आर फोकस्ड, जो फोकस्ड होते हैं वो और लोगों से, एवरेज लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं. बिलीफ वेस्टीज में पांच चीजों में रखी है, और इन पांच चीजों में अगर आपने अपना बिलीफ लेवल को बनाया, इनको बढ़ाते चले गए, तो आप भी उन हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह बन जाएंगे जिन्होंने अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर लिए हैं और एक बहुत अच्छी जिंदगी आज जी रहे हैं. फर्स्ट इज बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग. ये डायरेक्ट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए. और इस इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि पिछले 5 साल में डायरेक्ट मार्केटिंग की इंडस्ट्री ने विश्व भर में जितने आप और मेरे जैसे आम लोगों को कामयाब बनाया है, पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्रीजों ने मिलकर पिछले 30 सालों में इतने लोगों को कामयाब नहीं बना पाए. सेकेंड, बिलीव इन द कंपनी. जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उसमें आपका विश्वास होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स. यू मस्ट हैव फेथ इन प्रोडक्ट्स. और उसका तरीका है, यूज इट योरसेल्फ टू गेट दैट फेथ. और हमारे प्रोडक्ट्स हमारी बैकबोन है. हार्वर्ड बिजनेस रूल कहता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए, तो आपके प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में 4 चीजें होनी चाहिए. नोबडी शुड हैव इट, किसी के पास नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट. Everybody should need it. सबकी वो जरूरत होनी चाहिए. The product should be priced to profit and the product should be priced to sell. और मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र होता है, और आप भी इस बात को जानते हैं, हमारे products unique है. हर हर घर में बच्चे से लेके किसी बुजुर्ग को हमारे products की जरूरत है. The product are priced to profit and the product are at the same time priced to sell also. Most important, अपने आप पर विश्वास रखिए. और इसका तरीका एक बहुत सिंपल तरीका है, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिएगा, अपने आप को एडुकेट करते रहिएगा.
ट्रेनिंग्स में जाइएगा, वेस्टिज अवार्ड फंक्शंस में जाइएगा, असेसमेंट करते रहिएगा। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हैव प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। हम जब किसी को इस बिजनेस में लाते हैं, हम अपनी सारे एक्सपीरियंस उसको देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी टीम को ट्रेन करते हैं, उसकी टीम के साथ बाहर जा के काम करते हैं और इस मंशा के साथ काम करते हैं कि कल वो हमसे भी अच्छी तरह इस बिजनेस को करे। और जब वो अच्छी तरह से इस बिजनेस को करता है, जब वो अच्छा पैसा कमाने लगता है, तब हमारी इनकम बढ़ती है। अगर वो नाकामयाब नहीं होता तो हमें उससे कोई भी पैसा नहीं आता। एंड दैट इज वाई हमारी कैच लाइन है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। फाइनली हैव ए स्पिरिट ऑफ ए चैंपियन खिलाड़ी। वेस्टिज के खिलाड़ी बनिए। एक खिलाड़ी हर रोज खेलता है, वो हर रोज प्रैक्टिस करता है, खेलते खेलते कई बार गिरता है, जितनी बार गिरता है वो उतनी बार उठता है, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, अपना खेलना नहीं छोड़ता। खेलते खेलते कभी वो जीतता है तो कभी वो हारता है, और वो जब भी हारता है वो दोबारा प्रैक्टिस करता है और अपनी जीतने की तैयारी करता है, और इसी तरह से एक दिन वो चैंपियन बन जाता है। आप भी बनिए वेस्टिज खिलाड़ी, बनिए वेस्टिज चैंपियन, बनिए वेस्टिज विजेता। विश यू वेल्थ।